subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या आपका आधार कार्ड खो गया है? आधार कार्ड तो चल सकता है, बट आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं खोना चाहिए। क्या रजिस्टर मोबाइल नंबर भी खो गया है? अगर हाँ तो परेशानी बढ़ सकती है जनाब, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड देश के नागरिकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी अहमियत और ज़रूरत के बारे में शायद ही आपको बताने की आवश्यकता हो। तो गाइस, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और साथ ही उसके साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर भी खो गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सही चैनल पर हैं। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप विदाउट आधार कार्ड एंड विदाउट रजिस्टर मोबाइल नंबर के आधार कार्ड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं अजय टेक प्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है UIDAI और सर्च कर देना है। प्रोसेस हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आज मैं आप लोगों को सारा कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। प्रोसेस हो गया है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, गेट आधार। तो गेट आधार वाले ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑर्डर आधार रीप्रिंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि नोट ऑर्डर आधार रीप्रिंट इज ए पेड सर्विस, ये एक पेड सेवा है। इफ़ यू नीड टू रीप्रिंट ऑफ योर आधार लेटर पोस्ट अपडेट और ड्यू टू लॉस और ओरिजिनल आधार लेटर, यू मे ऑर्डर आधार रीप्रिंट बाई पेइंग ए नॉमिनल फीस ऑफ ₹50 इंक्लूसिव ऑफ GST एंड स्पीड पोस्ट चार्ज। तो इसका मतलब है कि यदि आपको अपना आधार कार्ड रीप्रिंट करवाना है तो आपको ₹50 का नॉमिनल फीस पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अब हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी और एनरोलमेंट आईडी। तो जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल हो उसको आपको एंटर करना है। तो मेरे पास आधार नंबर है तो मैं आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कैप्चा आपको दिखाई देगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर एक आपको चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा कि माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन शो होगा। तो जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैं फिल कर दे रहा हूँ और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि OTP सेंट टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो जो OTP है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया था उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो फिर यहाँ पर आपको उस OTP को फिल करना है जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर OTP या TOTP। तो यहाँ पर हम OTP को इंटर करेंगे, टिक करके आपको सबमिट कर देना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है इसलिए इसका प्रीव्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो करेगा। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है आपको। अब आपको ₹50 का पेमेंट करना है।
पेमेंट के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे अभी यहाँ पर, थोड़ा स्लो है इसलिए कुछ टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टोटल पेबल अमाउंट 50 रुपीज़, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं आपको डेबिट कार्ड से करके दिखा रहा हूँ। कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, आप चाहे जिससे नेट बैंकिंग या UPI से भी कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट, CVV नंबर एंटर करना है और जो भी आप कार्ड पर आपका नाम हो वो एंटर कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। पेमेंट प्रोसेसिंग में है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं एंटर कर दे रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड की एक नोटिफिकेशन आएगी। उस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो डाक के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। बाय बाय, लव यू।